दोस्तों आदा लीजिए हम आपके साथ आज वी एस टी सेकेंड डिस्कस करने चाह रहे हैं सुपर थर्टी कॉलेज ऑफ कंपटीशन ने ये वी एस टी आज कंडक्ट करवाया था टॉपिक था जोग्राफी और ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है नाइन फोर वन नाइन वन नाइन थ्री टू नाइन सिक्स वन फिफ्टी मार्क्स का ये पेपर था और टोटल क्वेश्चन फिफ्टी थे क्वेश्चन नंबर वन था हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्वेश्चन नंबर वन था विद विच ऑफ़ द फॉलोइंग कंट्रीज़ इंडिया शेयर्स मैक्सिमम लेंथ ऑफ द बॉर्डर किस कंट्री के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान बॉर्डर शेयर करता है तो इसका आंसर था बांग्लादेश दूसरा क्वेश्चन था कि थ्रो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स थ्रो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स चंबल रिवर डज नॉट फ्लो तो ये यूपी एमपी राजस्थान और गुजरात ऑप्शन था तो इसका आंसर है गुजरात तीसरा क्वेश्चन था द फॉलोइंग टू स्टेट्स आर लार्जेस्ट प्रोड्यूजर ऑफ कोल इन इंडिया तो यह झारखंड एंड छत्तीसगढ़ इसका आंसर है विच एमोंग दलोइंग इज़ इंडियाज़ रिचेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट तो यह है गुजरात फिर है द गांधी सागर डेम इज़ बिल्ट ऑन विच रिवर इन मध्य प्रदेश तो यह है चंबल फिर द अर्थक्वेक रेजिस्टेंस कंस्ट्रक्शन दी दीवारी सिस्टम इज़ फाउंड इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ इंडिया तो यह है जम्मू एंड कश्मीर यह सिक्स क्वेश्चन मैंने आपको बताया दैन क्वेश्चन नंबर सेवन जो था विच ऑफ़ द फॉलोइंग वाज़ द फार्मर नेम ऑफ द गुलमर्ग हिल स्टेशन तो इसका आंसर था गोरी मर्ग फिर विच ऑफ़ द फॉलोइंग हिल स्टेशन इज़ नोन एज कश्मीर ऑफ उड़ीसा तो इसका आंसर था देरिंगबादी क्वेश्चन नंबर नाइन था हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अंडमान एंड अकोबार आइलैंड सैडल पीक इज लोकेटेड इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ आइलैंड तो इसका आंसर है नॉर्थ अंडमान फिर है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया तो इसका आंसर है लक्षद्वीप हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव ए कोस्ट लाइन तो इसका आंसर है नाइन फिर अमरकंटक प्लेट्यू इन द मिडल हिल्स इज द इन द माइकल हिल इज द ओरिजिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ये है नर्मदा फिर है दुदुमा वाटरफॉल इज सिचुएटेड एक्रॉस विच ऑफ़ द फॉलोइंग रिवर तो इसका आंसर है मैचकुंड विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्ट तो इसका आंसर था सारो ऑफ बंगाल दामोदर रिवर पे है सारो ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है सौरव ऑफ कर्नाटका धोनी रिवर पे और सौरव ऑफ बिहार कोसी रिवर तो इसका आंसर था वन टू थ्री फोर चारों सही ही है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिज़र्व तो यह है नीलगिरी बायोस्फीयर रिज़र्व विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश वट परसेंटेज ऑफ द वट परसेंट ऑफ इंडियन पापुलेशन डिपेंड्स डायरेक्टली आर इनडली ऑन एग्रीकल्चर सो इसका आंसर है फिफ्टी एट परसेंट फोलोइ कैनाल सिस्टम इरीगेट्स द एरियाज ऑफ बिहार तो यह है त्रिवेणी कैनाल याद रखना ट्रेस फार्मिंग इज प्रैक्टाइज इन विच ऑफ़ द फॉलो स्टेट जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इज द राइट आंसर वट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ द रेल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क साइज तो यह है Then 21 question What percentage of the total population of the world is the population in India? He has 17.5%. Which among the following is the smallest minority group in India to Parsis? Then how many languages are specified in the constitution of India? 22. Then instrument which is used which can be used to measure earthquake is known as seismograph magnitude of energy released by an earthquake is calculated using a richter scale the point within the earth where earthquake originate is known as focus the place above focus on earth surface is known as epicenter magma which is forced onto earth surface is known as lava what is the actual shape of the earth right answer is

हाउ मैनी किलोमीटर्स आर रिप्रजेंटिड बाई वन डिग्री ऑफ लेटिट्यूड तो ये हैन वन वन एक सौ ग्यारह किलोमीटर विच आर द फॉलविंग जोग्राफिकल टर्म रिलेटेड टू द पीस ऑफ सब कंटिनेंटल लैंड दैट इज सराउंडड बाई वाटर इसका मतलब है आंसर है आई लैंड विच आर द फॉलविंग जोग्राफिकल टर्म रिलेट टू अ बॉडी ऑफ लैंड सराउंड बाई वाटर ऑन थ्री साइडस तो उसका आंसर है पेनिस्यूला विच आफ द फॉलोविंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेनसुला तो इसका आंसर है एरोबिया विच ऑफ द फॉलोंग पासिस कट्स थ्रू द पीर पंजाल रीजन एंड लिंक्स मनाली एंड ले बाई रोड तो यह है रोथस पास विच आफ द फॉलविंग पास हैज़ बीन क्रिएटेड बाई द इंदस रिवर यह है बनिहाल पास द स्क्रेसिटी आर क्रॉप फेलियर ऑफ विच ऑफ़ द फॉलोंग कैन कॉज अ सीरियस एडिबल आयल्स क्राइसिस इन इंडिया तो इसका आंसर है ग्राउंड नट विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रॉ मेटीरियल फॉर जनरेशन ऑफ पावर इन इंडिया तो इसका आंसर है कोल दैन आ गया वेन इट इज नून आई एस टी एट अलाहाबाद इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ ग्रीन इन टाइम द टाइम एट ग्रीन विच लंदन विल भी सिक्स थर्टी आर मॉर्निंग के सिक्स थर्टी आर विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन तो यह है कनाडा Which of the following types of soils are mainly confined to river basin and coastal plains of India? Alluvial soil. thus two states of India most richly endowed with iron ore are MP and Odisha. The most fertile region of India is Indo-Gangetic Plain. Which of the following crop is regarded as the plantation crop? Coconut. The most ideal region for the cultivation of crop cotton in India is. डेक्कन प्लेट्यू विच आर द फॉल्विंग एरिया रीजन इज मोस्ट प्रोन टू अर्थक्वेक यह है गंगा बरहपुत्रा वैली द प्रपोर्शन ऑफ फॉरेस्ट टू द टोटल नेशनल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया एज एनविसेज बाई नेशनल फारेस्ट पॉलिसी थर्टी थ्री पॉइंट थ्री परसेंट विच आर द फॉल्विंग क्रॉप्स नीड्स मैक्सिमम वाटर पर हैक्टेयर तो इसका आंसर है शुगर कैन द ओलस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया इज एट दिग बॉय आसाम तो दोस्तों ये था हमारा पेपर जो आज हमने वी लिया था कल भी एक जोग्राफी का पेपर आ रहा है तो मैं चाहूँगा कि आप जल्दी से इसका एक स्क्रीन चाट ले लें जल्दी से आप इसका स्क्रीन छाट लें अगर आपने ले लिया इसका पेपर का स्क्रीन शाट आपको आने वाले जब आप खुद क्लियर करो एक इसका भी स्क्रीन शाट ले लीजिए फिर इसको आप करेंगे इस पेज का भी स्क्रीन चाट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीन शाट ले लीजिए इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिफ्थ पेपर का भी पेज का भी ले लीजिए तो दोस्तों ये था हमारा आज का पेपर जो हमने ज्योग्राफी का पेपर लिया था ये आपको मैंने अभी डिस्कस कर लिया है कल हम लोग ज्योग्राफी का हंड्रेड क्वेश्चन का पेपर लेके आ रहे हैं सुबह दस बजे पेपर होता है जो भी इंटरेस्टेड है इस पेपर को देना वो हमारे पास यहाँ सुपर थर्टी में आ सकता है हमारा वन पॉइंट एजेंडा है कि हम अपने बच्चों के कंसेप्ट को क्लियर करें कल हम लोग एक वीडियो लेके आ रहे हैं स्ट्रेटजी हाउ टू क्रैक डिफरेंट कम्पिटेटिव एग्जाम स्पेशली स्पेशल फोकस ऑन अकाउंट असिस्टेंट जम्मू कश्मीर पुलिस और जो भी कंपिटेटिव एग्जाम्स हैं आपको कैसे पढ़ना है कहाँ से पढ़ना है तो ये सारा हम लेके आ रहे हैं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली आप कमेंट भी करें लाइक भी करें शेयर भी करें और कोई सुजेशन हो तो वो भी जरूर बताइएगा थैंक यू वेरी मच